यार ऐसा टेस्ट मैच ना बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात कर रहे हो? हाँ भाई, तो यार शुरू करते हैं मैच की कहानी के साथ। डे वन पे इंडिया ने टॉस जीता एंड दे चोज टू बोल फर्स्ट। बांग्लादेश ने स्टार्ट किया 107/3 पे डे एंड किया। बट डे बाय डे अगर हम चल रहे हैं ना, तो मुझे चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे थे उसकी नॉलेज बीच बीच में तू मुझे बताते रहे, जिससे एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही एंट्री पॉइंट होगा, क्या सही एग्जिट पॉइंट होगा, उसकी भी नॉलेज मिलते रहे। तो ऑन द फर्स्ट डे प्री मैच मार्केट प्राइस वॉज ऑन 6.6 ऑन इंडिया। जब डे वन एंड हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट प्राइस ड्रॉप होके 6.2 पे आ गया था इंडिया पे। द ड्यूरेशन इज सो लॉन्ग कि उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस टाइम पे किस डे पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कब मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए। तो अब शुरू होता है डे टू। बट कानपुर में क्या हुआ, ओवरनाइट बारिश हुई एंड एज अ रिजल्ट नो प्ले वाज पॉसिबल। तो डे टू के एंड पे मार्केट प्राइस 6.2 से ड्रॉप होके 2.8 पे आ गया था, बिकॉज ट्रेडर्स वर स्पेक्युलेटिंग कि मैच ड्रॉ की तरफ लीड कर रहा है। इवन इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड डे व्हेन अगेन नो प्ले वाज पॉसिबल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट प्राइस ड्रॉप होके 0.8 तक पहुंच गया था। इस मैच का अगर बोलो मिर्च मसाला जो सारा था ना, सारा डे फोर पे पड़ा है। डे फोर पे क्या होता है, बांग्लादेश को ऑल आउट किया एंड द वे इंडिया अप्रोच द इनिंग्स फ्रॉम देयर वो समथिंग आई हैवंट सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। 35 ओवर्स के अंदर 284 का स्कोर खुद इंडिया ने डाल के डिक्लेयर कर लिया एंड देन पुट बांग्लादेश इनटू बैट वंस अगेन। दे गॉट 2 विकेट्स हियर एंड कम्प्लीटली ओपन द मैच अप। ट्रेडिंग पॉइंट्स क्या चल रहे थे यहाँ पर? सिंस ये डे ही इतना टॉपसी टर्बी था कि मार्केट प्राइस जो डे 3 के एंड पे 0.8 पे था, वो डे 4 के एंड पे 4.8 पे पहुंच गया था ऑन इंडिया। सो इंडिया वर अगेन बिकमिंग द मैच फेवरेट्स। So if you were actually trading in this match, how would you go about it? Especially considering if you had not entered the market on the first 3 days. जब इंडिया ने डिक्लेयर दिया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड हैव एंटर्ड द मार्केट वेयर द मार्केट प्राइस वॉज 3 एंड आई वुड हैव हेल्ड ऑन टू इट टिल द लास्ट डे बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग द मैच एज वेल। सो वेन यू आर फॉलोइंग द मैच, आपको सामने से दिख रहा होता है कि मैच में क्या चल रहा है, वॉट इज द फ्लो ऑफ द मैच, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो सकता है। By that, you identify potential entry and exit points in the market, which is very important when you're investing. So, I mean, and day 5 आते-आते तो यार game ऐसा हो गया कि India ने पहले तो all out कर लिया उन्हें 150 run के अंदर, और फिर जब 95 का target आया, I think उस समय तो यार yeah, I mean, उस point of time पे invest करना would have been a safe option if you had a good corpus to invest in the market, because market price was already at 9.8. So, you need a good amount of corpus to maximize your returns on that. And the Sharks knew that India was leading towards a comfortable win. Makes sense. This game may be habit-forming or financially risky. Play responsibly.